अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। येडियुरप्पा ने इस्तीफ़ा देते हुए जो आंसू गिराए वो उनके दर्द का सबूत है। बीजेपी आला कमान ने वजीर आला को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। डी के शिव कुमार वजीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान करते हुए येडियुरप्पा की आंखों से जो दर्द छलका है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? येडियुरप्पा को यह बात आवाम के सामने लाना चाहिए। यह बात कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डी के शिव कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि येडियुरप्पा ने जो वो बाखुशी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन इनके इस्तीफे से खबल उन्होंने जिस तरह के जज्बात का मुजाहरा किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसा फैसला लेने के लिए इन्हें मजबूर किया गया है। वो कौन सी ताकत थी जिसने इन्हें मजबूर किया? येडियुरप्पा को इसे बेनकाब कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि येडियुरप्पा ने काफ़ी दर्द के साथ इस्तीफ़ा देने का और हुकूमत छोड़ने का फैसला लिया है। वो दर्द इन्हें किसने दिया है वो जाहिर करें, वो आवाम के सामने उनका नाम पेश करें, ये भी बताएं कि वो दर्द क्या है। क्या वो इस बात को लेकर दर्दमंद हैं कि इनकी पार्टी के अराकान असेंबली पर बीजेपी आला कमान की गिरफ्त नहीं थी, या ये दर्द इनके साथियों ने ही इनके पीठ में छुरा घूम दिया? एक तरफ काबीना के ईश्वरप्पा ने वजीर आला के खिलाफ गवर्नर से शिकायत करते हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर येडियुरप्पा के खिलाफ बयानबाजी करता है। शिव कुमार ने कहा कि यह एक हकीकत है कि रियासती और कौमी बीजेपी रहनुमा ने येडियुरप्पा को पहले ही दिन से परेशान कर रखा था। पार्टी आला कमान से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। येडियुरप्पा के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी करने वालों को आला कमान ने कोई बाज नहीं रखा, उन्हें दूर नहीं रखा, बल्कि इस तरह के बयानबाजी करने वालों को बीजेपी की मरकज़ी क़ियादत ने ज़्यादा उन्हें ताकत बख्शी। इन तमाम हालात से मजबूर होकर येडियुरप्पा को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने येडियुरप्पा को भी परेशान नहीं किया, बल्कि कोरोना के संगीन मरहले में भी कांग्रेस ने हुकूमत का साथ दिया। बार बार कांग्रेस ने यही मांग की कि हुकूमत कोरोना से मुतासिर आवाम की मदद करें, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इस पर भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि येडियुरप्पा की जगह किसी वजीर आला बनाया जाएगा, इससे कांग्रेस पार्टी को कुछ सरोकार नहीं, वो बीजेपी के दाखिली मामले में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि येडियुरप्पा की हुकूमत बनाने के लिए जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, वो तमाम भी आज येडियुरप्पा के साथ ही साबिक हो चुके हैं। इनके कांग्रेस में लौटने के मामले में अब कुछ नहीं कहा जा सकता, बाद में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी येडियुरप्पा को बदल दे तो कुछ होने वाला नहीं है। रियासत के आवाम चाहते हैं कि बीजेपी को ही अगले इंतखाबात में बदल देंगे। ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋವು ಯಾಕಾಯಿತು, ಯಾರಿಂದ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವು, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನ ನೋವಂತೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಗರಲೇನಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನೋವಲ್ಲ. ಅವರ ಶಾಸಕರನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದು ನೋವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದುಃಖನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರೇನು ಹೋಗೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಏಂತಕ್ ನೋವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಜೊತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಏಂತ ಏಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯನ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಲಿ ಲಾಬಿಡಿ 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 ಲಾಬಿಡಿ